आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो ब्रो, आज का हमारा क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के दो घटकों के नाम लिखिए। ठीक है, तो पारिस्थितिक है वातावरण का वह स्थान जहाँ पे सजीव निर्जीव घटक आपस में संबंधित होते हैं, उन्हीं को कहते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बोल देते हैं। जैसे जल का पारिस्थितिक तंत्र, स्थल का पारिस्थितिक तंत्र, ये सब क्या है, पारिस्थितिक तंत्र के क्या है, उदाहरण है। ठीक, तो इनके दो घटकों के नाम लिखना है, तो क्या होते हैं इनके दो घटक। ठीक है, दो घटक इनके कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, इनके दो मुख्य घटक कौन से हैं, इनके दो मुख्य घटक हैं सजीव, ठीक है, सजीव घटक, और दूसरा कौन सा है, निर्जीव घटक। ठीक है, तो सजीव घटक में भी बहुत सारे आएंगे, जैसे कि पौधे हो गए, पौधे, ठीक है, और जंतु, ये जितने भी सूक्ष्म जीव मतलब जो जीवित हों वो आएंगे किसमें, सजीव में, और निर्जीव में आएंगे जैसे जल, ठीक है, या स्थल कह सकते हो, सूर्य कह सकते हो, या हवा कह सकते हो, ये सब किस में आएंगे, ये सब आएंगे निर्जीव घटक में। ठीक है, तो यही दोनों घटक जो होते हैं, सजीव और निर्जीव, आपस में क्या होते हैं, इस स्थान पर संबंधित होते हैं, मतलब एक दूसरे पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, इनका जो चक्रण होता है चलता रहता है। तो इसी स्थान को क्या बोल देते हैं, पारिस्थितिक तंत्र। इसके कितने घटक होते हैं, दो, सजीव और निर्जीव। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।